और उधर धोखाधड़ी के शिकार बेबी देवी इंसाफ पाने के लिए 5 महीने से पुलिस अधिकारियों के दफ्तर काट रही हैं, इसके बाद भी उनको न्याय नहीं मिल रहा है। रेलवे कॉलोनी निवासी एसके देव की पत्नी बेबी देवी का एसबीआई बैंक से डेबिट कार्ड जारी है। वह टाटा नगर रेलवे स्टेशन के पास एसबीआई एटीएम बूथ से रुपया निकालने गई थी। यहां कुछ युवकों ने उनका एटीएम कार्ड बदल दिया, उनको धनंजय ओझा के नाम का कार्ड पकड़ा दिया। उस समय इसकी जानकारी नहीं हो पाई। बाद में उनके कार्ड से अपराधियों ने बिष्टुपुर स्थित पीएम ज्वेलर्स से 50,000 के जेवर, गैलरी नाम दुकान से 16,000 और आईसीआईसीआई एटीएम बूथ से 50,000 रुपए निकाल लिए। इसी तरह अन्य दुकानों से भी खरीदारी कर ली। उनके खाते से 1.5 लाख रुपए की निकासी हो गई। तब वे डीएसपी, एसएसपी, सिटीएसपी, बिष्टुपुर और जुगसलाई थाना का अनेकों बार चक्कर लगाई। इस दरमियान पीएम ज्वेलर्स के सीसीटीवी से उस अपराधी का तस्वीर निकलवा लिया जिसने उसके कार्ड से खरीदारी की थी। इसके बाद भी पुलिस उस युवक को नहीं पकड़ पाई और उनको दौड़ाती रही। कुमार झा से मिले हैं, इधर सिटी से रतन ज्योति नरवाल से भी बहुत बार मिले हैं, और डीएसपी साहब अभी जो है पीओ पद उनका साथ भी मिले, पहले जो थे राम बोल के नाम उनका साथ भी मिले हैं, और पीसीआर से मेरे हस्बैंड भी एक बार मिले थे, तो उन्होंने बोला हाँ देखेंगे पीसीआर डीएसपी से। हाँ पीसीआर जो सचिव में रहता उनका साथ भी। आपका मामला कौन थाना पहले दर्ज हुआ? पहले बिष्टुपुर में दर्ज हुआ, उसके बाद सिटी साहब बोला आपको इतना दौड़ धूप करने का जरूरत नहीं है, जुगसलाई में अभी दे दिया। कब आपको पैसा निकाल लिया, कब का घटना? मतलब 27 बार पैसा हुआ, 28 को हमको सुबह पता चला। तो कितना पैसा निकाला जा चुका है? लगभग तो लगभग 1.5 लाख रुपया। और अभी तक आपको थाना का चक्कर लगाना पड़ रहा है? हाँ। कोई सुन नहीं रहा? नहीं, 1,46,000। क्या आरोपी है क्या जो निकालने वाला? हाँ, एटीएम ज्वेलर्स से जो लड़का निकाला है उसका डीवीडी भी हम उसी से पास से लेके रखे, उसी से हम फोटो निकाले।